नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सदर प्रखंड के कई सड़कों का शिलान्यास करने के बाद जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंची राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने 29 दिसंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा होने का संकेत दिया है। उन्होंने प्रेस के साथ संक्षिप्त वार्ता में कहा है कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा बार बार कहती है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है, जबकि ये निराधार और बेबुनियाद है। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि जल्द ही पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि जनता को बताने का कार्य किया जा रहा है, इसके बाद चुनाव होगा। शीतकालीन सत्र अब तक नहीं बुलाए जाने के पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा हो चुकी है और आशा है कि 15 दिसंबर के बाद और 1 मार्च के पहले शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।